नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता दोस्तों फिर से मैं एक नए बिजनेस के तलाश में आ गया हूँ गोरखपुर से चल के कप्तानगंज। और यहाँ पर आपको वीडियो में बताने वाला हूँ एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग। आपको बताते चलो, ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस होने वाला, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो गाँव भी हो तो भी चलेगा और शहर में हो तो भी चलेगा। क्योंकि समझ सकते हैं, एक लाइट की बात करें, इसके बिना तो पूरी दुनिया अधूरी है। कौन अंधेरे में आज के डेट में रहना चाहता है। अब बात करते हैं, अधिकतर एलईडी वाला आप लोग व्हाइट में ही देखे होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कलरफुल भी आपको देखिए, इस तरीके सारा इसके मटेरियल कट कलरफुल भी देखने को मिल जाता है। और ये जो सारे एसेसरीज है आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप बना बनाए अगर होलसेल में बेचना चाहते हैं तो भी बेच सकते हैं। स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो केवल 11 रुपए से स्टार्टिंग होने वाला, इसके अलावा 12 रुपए 13 रुपए बढ़ते हो जाता है। और ये जो 11 वाला एलईडी बल्ब रहता है नॉन गारंटी रहता है, मैं पहले क्लियर कर दूं इस बात को। और जो गारंटी वाला रहेगा आपको 38 रुपए से स्टार्ट होने वाला। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे बात करेंगे यहाँ के ऑनर से, जो पूरी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं फाइनली यहाँ का ऑनर हमारे पास मुझे। नमस्ते, क्या हाल चाल है? नमस्कार, बहुत बढ़िया है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। अगला वीडियो आपका जो पड़ा हुआ था बहुत अच्छा प्रोग्रेस आया था जी, जी में, ठीक है। और इसमें भी हम जानते हैं दिवाली का जी बिल्कुल सीजन है, अच्छा धमाका है। हाँ। और इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इतना ज्यादा दूर दूर के लोग आते हैं आपकी वीडियो देख के, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल जो दिख रहा है यहाँ पे, और बेहतर अच्छे क्वालिटी का अब मंगाए हुए, इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी का, ठीक है। पहले था तो कुछ नहीं था, अब है तो पूरी फैक्ट्री है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से कलर कलर का लाइट भी आ गया। अच्छा। यहाँ पे कलर का बॉडी भी आ गया, अलग तरीके से पूरा आपको देखने देखने को मिलेगा। अच्छे डायमंड डायमंड बॉडी में आपको मिल जाएगी बेहतर अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। और यहाँ पे कलर कलर की बॉडी की बात करें, कलर कलर बॉडी देख सकते हैं, लाल पीला और हरा की बात करें तो ये दिवाली में निकलने वाले बेहतर अच्छे। भैया लोग कुछ काम करें, यहाँ पे बना हुआ मटेरियल अभी यहाँ पे पैक हो रहा है, और बनाया कैसे जाता है सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। इसके पहले मैं चाहूंगा बता दें कितने तरीके से आप बल्ब यहाँ बना करके मैन्युफैक्चरिंग करके पब्लिक को बेच रहे हैं। बल्ब बनता है, ठीक है, एसी डीसी बल्ब बनता है, नॉन गारंटी एलईडी बल्ब बनता है, और गारंटी वाला एलईडी बल्ब बनता है, 9 वाट 7 वाट का एलईडी बल्ब बनता है, ट्यूबलाइट मिलता है, और ये जो हाइमेक्स होती है 50 वाट 100 वाट और फ्लूट लाइट होती है, ये सारा चीजें बनता है हमारे वहाँ, ठीक है। और बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहाँ पे रैपर जो ये रैपर है यहाँ से हम खुद का जो अगला बंदा है उसका खुद का हम छपवा देते हैं यहाँ से। अच्छा, छपवा देंगे ऐसे रैपर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और यहाँ पे मशीन की बात करें, जो अभी न्यू वाले आदमी आते हैं यहाँ से अपना मशीन सेटअप भी खरीद के लेके जा सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी? 2500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं यदि फेरी वाला काम करते हैं तब। यदि अपना खुद का अपना मशीन वशीन लेना चाहते हैं तो आपका करीबन 1-7 हजार का आता है, 1-12 हजार का आता है, ये दोनों किट अपना लेके जा सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई गारंटी वाला अगर बेचना चाहे तो? अच्छा, तो मैं ऐसा वीडियो में बताइएगा कि मेरा व्यूअर देखने के बाद ही यहाँ आना ना पड़े और उसको पता चले एलईडी बल्ब कैसे बनाई जाती है। हाँ, तो अच्छी तरह समझा दीजिए, सारा चीजें बता दिया जाएगा, और जो भी व्यूअर्स हैं और अच्छे तरीके से अपना वो लेके जा सकते हैं जी। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर न करते हम लोग देखेंगे एलईडी बल्ब कैसे बनाते हैं, उसके बाद जितने बल्ब रहेंगे आपको दिखाएंगे किसकी गारंटी कितनी, किसकी वारंटी क्या है, और सारा चीज बारीकी से बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला। भैया एलईडी बल्ब बना के दिखाई पहले आप, और मटेरियल जो यूज करेंगे उसका भी नाम मेंशन करते चलिएगा। जो अलग अलग पार्ट है और इसकी प्राइस क्या होगी भी बताते चलिए। तो देख सकते हैं आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे रैपर जो होता है, बाकी कलरफुल आपको एलईडी भी देखने मिले, बाकी सारे जो मटेरियल होते हैं ना यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाते हैं। अब चलेंगे आपको देखिए अलग अलग पार्ट है, अभी मैं सारे जो आपको दिख रहा ना अलग अलग सबको पार्ट के बारे में सारा कुछ बताते हुए हम लोग बनाएंगे। और भैया अब बात करते हैं एक एक पार्ट का नाम बताते चलिएगा और बनाते हुए चलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये ड्राइवर है, क्या है ड्राइवर, ड्राइवर ये ड्राइवर बोलते हैं। हाँ, इसको ड्राइवर बोलते हैं। ये आपका हो गया, आपका देख सकते हैं हाउसिंग हो गया, हाउसिंग बोलते हैं, ठीक है। आपका टिक्की हो गया, हीटिंग प्लेट बोलते हैं उसको, हीटिंग प्लेट और टिक्की दोनों बोलते हैं। हाँ, ये आपका डिफ्यूजर हो गया, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर, डिफ्यूजर, ठीक है। और आपको जो प्रयोग किया जाता है देख सकते हैं ये सब क्या है। हाँ, ये वाले आपका जो पीसीबी हो गया देख सकते हैं, पीसीबी है, ठीक है, ये एसीबीसी का पीसीबी हो गया। अच्छा। ये देख सकते हैं 7-in-1 का पीसीबी हो गया, ठीक है, ये 3-in-1 का पीसीबी हो गया, जो 7 कलर जलता है और 3 कलर जलता है, और एसीडीसी जो लाइट भाग जाने के बाद जलता है, और देख सकते हैं जो गारंटी वाले में लगाया जाता है उसका गारंटी वाले, ठीक है। हाँ, देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और ये जो 9 वाट का पीसीबी है, 9 वाट बोलो तो 9 LED होता है, वो 9 वाट का हो गया, जो 7 वाट का होता है वो 7 LED होता है इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो बेहतर अच्छे क्वालिटी का आपको मिलने वाली है। अच्छा अच्छा,
और यहाँ पे कैसे बनाया जाती है सारा प्रोसेस। अच्छा भैया, मान लीजिए जो पहले से बिजनेस मटेरियल भी ले सकते हैं आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले से भी बिजनेस करते हैं वो भी ले सकते हैं, जो अभी न्यू है वो भी ले सकते हैं। हाँ, दिल्ली का रेट यहाँ मिलेगा, ठीक है, दिल्ली का रेट मिलेगा यहाँ पे, और बेहतर अच्छी क्वालिटी का, ठीक है यहाँ पे। हाँ, जैसे दिल्ली में जाते हैं तो 420 वाले काम ज्यादा लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 420 वाला काम कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे रिपीट वाला है। अच्छा, और अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है, जिसमें लगाते हैं ना, थोड़ा दिखाते चलिए ताकि, ठीक है, ठीक है, लगाइए। और दोनों अच्छे तरीके से लगाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सिरा आ गया ऊपर। अच्छा अच्छा, आ गया जो वायर है ना। हाँ, वायर मैं देखा, वायर आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरीके से, आप देखिए आइडिया लगा सकते हैं। देखिए दोनों वायर आ गया ऊपर जी, उसके बाद से हमने यहाँ पे लगाया, और ये होता है इसका रिपीट, रिपीट है ना सर ये, देख सकते हैं ऐसे रिपीट आता है। अच्छा, ठीक है, इसमें तो दो निकालते हैं हम लोग, इसमें लगाते हैं ना, ठीक है। और देख सकते जितना संभव शहर है, मैं आपको बारी बारी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए इस तरीके से, ठीक है। चलिए, देख सकते हैं लग गया पूरे अच्छे तरीके से, यहाँ रिपीट भी लग गया आपका। हाँ, और इसको पंचिंग की बात करें, पंचिंग आ गया आपका यहाँ से पंचिंग करने के लिए। हाँ, चलिए, ठीक है, और यहाँ पे मशीन है पंचिंग करने वाली जी, बिना पंचिंग मशीन का कोई काम ही नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छे का बात करेगा ना हल्का सा? हाँ, बस ऐसे हल्का सा भी कर देंगे तभी भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके बाद से आपका जो आ गया इसमें प्रेस करने के लिए, प्रेस करने के लिए, हाँ, यहाँ पे प्रेस किया जाता है, ठीक है। एक टिक्की लेंगे इसमें का। अच्छा, ये है सिस्को मॉडल का, सिस्को मॉडल ना, सिस्को मॉडल जो इस फील्ड से होंगे ऑलरेडी जानते होंगे सिस्को मॉडल क्या है। हाँ, बाकी मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, आप देख सकते हैं, बस आइडिया बता रहा हूँ। दोनों सिरा ऐसे ऊपर करेंगे, कौन सा थोड़ा देखें, ये जो रेड और ब्लैक वाला होता है इसको ऊपर एक साइड कर लेंगे ना। हाँ, अच्छा, दोनों ऊपर आ जाएगा। हाँ, उसके बाद से इसको इसके नीचे दबाएंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं मोटा है और ये वाला पतला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, डाई में थोड़ा सा इसको परिवर्तन आएगा क्योंकि हाल ही बैठता नहीं है। अच्छा, ठीक है, और इसको बैठाने के लिए थोड़ा सा अथी करना पड़ता है बीच बीच में, सेंटर में लेंगे, सेंटर में लेके उसके बाद बैठाते हैं, ठीक है। उसके बाद बैठाने के बाद देख सकते हैं अच्छे तरीके से, अब हम इसको नहीं बैठ रहा है तो हाथ से भी इसे दबा सकते हैं हल्का सा, ठीक है। हम इसको अभी जला के दिखाते हैं आपको जी। और पेस्ट की बात करें, देख सकते हैं पीसीबी। अच्छा, जो पीसीबी बताया, पीसीबी को हम यहाँ से लगाते हैं, इसका नाम क्या है जो खोल रहा है डिब्बा, हीट सिंक पेस्ट, ठीक है। ये ठंडा, हाँ, ये ठंडा रखने के लिए, पीसीबी को ठंडा रखने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, ठीक है, केवल पीसीबी को ठंडा रखने के लिए जी, ठीक है जी जी, बिल्कुल, खूब अच्छे तरीके से इसको लगाएंगे जी। उसके बाद से यहाँ पे अच्छे से डाल देंगे, ठीक। उसके बाद से स्क्रू कसेंगे, ऐसे हम लोग पेशकश से पहले इसको टाइट किया जाएगा जी, ठीक है जी जी। ऐसे जब टाइट हो जाएगा उसके बाद से इसका नंबर आएगा सोल्डिंग करने का। अच्छा, सोल्डिंग आप देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ। अच्छा, कहाँ रुकिए, प्लस और माइनस लिखा हुआ देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे माइनस आपको माइनस लिखा होगा, और ये माइनस माइनस में होगा, प्लस प्लस में होगा। तो कौन प्लस है? रेड वाला हमेशा प्लस होता है और ब्लैक वाला हमेशा माइनस होता है। अच्छा, रेड वाला जो तार है हमेशा प्लस होता है, प्लस होता है, और ब्लैक वाला हमेशा माइनस होता है। ब्लैक वाले को माइनस से टच करेंगे और रेड वाले को प्लस से करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आएगा सोल्डिंग का बारी जी। भैया सोल्डिंग करेंगे, भैया आपको पूरी अच्छी तरीके जितना संभव सके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको, और देखिए छोटा सा बिजनेस अभी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस की स्टार्ट के लिए मतलब कितना पूंजी बताए हैं आप? बस इसको यदि फेरी वाला काम करना चाहते हैं तो 2500, यदि खुद का अपना घर पे फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो मात्र 12 से 13 हजार रुपए। अच्छा अच्छा, अनेक प्रकार की मटेरियल उसमें जाएगी, यदि केवल गारंटी वाला लेके जाना चाहते हैं तो मात्र 7 हजार। अच्छा, मटेरियल भी आप देंगे? हाँ, मटेरियल भी, जो मशीन के साथ मटेरियल भी मिलेगा। ठीक हो गया, ठीक है, मात्र 7 हजार रुपए में देख सकते हैं, रेडी हो गया। और यहाँ पे चेक करते हैं जी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लाइट, देख सकते हैं लाइट जल गई, देखिए कितना जबरदस्त तरीके से लाइट जल गई, और ऊपर से फिर कैप लगा देंगे ना। हाँ, इसको कैप लगाने के लिए इसका मॉडल है, ठीक है, ये कैप इसका ऐसे आता है, देख सकते हैं। अच्छा, डिफ्यूजर बड़ा होता है जी।
अरे बैठता नहीं है, ठीक है, घाट में ऐसे बैठा जाता है, ठीक है, बैठ गया जी। अब जलाइएगा थोड़ा सा, अब जलाने के बाद देख सकते हैं आपको इस तरीके से बल्ब। कितने वाट का भैया? कैसे कितने वाट का है ये? आपका है 9 वाट का। 9 वाट का कितना प्राइस में दे रहे हैं? ये आपको मिलने वाली है मात्र 40 रुपया, सिस्को मॉडल में छोटा वाट ये, ठीक है, मात्र 40 रुपए में। और वही आपको चाहिए 57 mm की बॉडी, देख सकते हैं 57 mm की बॉडी आपको मिलने वाली है मात्र 42 रुपए में। अच्छा 42, हाँ 2 रुपए अधिक हो जाएगा। और रैपर की बात करें, रैपर आपको मिलने वाले 1.5 रुपए, ये देख सकते हैं 1.5 रुपए का रैपर मिलने वाली है। और ये रैपर अलग से दिया जाता है, रैपर अलग से दिया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो हैवी वाले रैपर है ये आपको मिलने वाले 2 रुपए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इस तरीके बन के रेडी होती है। इस तरह बन के रेडी होती है, ठीक है दोस्तों। इसे ये जो बल्ब बना हुआ है आपको बताते चलिए, कितने रुपए के? 11 रुपए होता है। हाँ 11 रुपए में, 11 रुपए ऑन कैमरा बोले मेरे से। रॉ मटेरियल 11 रुपए में मिलेगा, रॉ मटेरियल पे मिलेगा, रॉ मटेरियल केवल 11 रुपए में। रॉ मटेरियल बना बनाया हुआ चाहिए तो 13 रुपए में। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो बना बना अगर लेंगे तो आपको 13 रुपए मिलेगा, और रॉ मटेरियल की बात करें तो आपको 11 रुपए में इसका पूरा मिल जाएगा। और मैं ये जानना चाहूंगा ये हम लोग मार्केट में 100 का 4 बेचते होंगे? 100 रुपए में 4 जी। और बाकी यहाँ देखिए रैपर ऊपर सारी चीज देखने को मिल जाते हैं, अच्छे क्वालिटी का। बाकी देखिए भैया लोग इस तरीके से आपको सारा काम कर रहे हैं, देखिए आइडिया लगा सकते हैं।